बड़ी अच्छी खुशखबरी है जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं जिनका स्टूडेंट वीजा में या न्यूजीलैंड स्टडीज में इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है जी। तो इसके अंदर क्या चेंज किया उन्होंने लेवल 7 लाइक बैचलर डिग्री और लेवल 8 जो ग्रीन लिस्ट के कोर्सेज हैं जो उनके पार्टनर्स हैं उनको अब वर्क वीजा मिलेंगे। सो एक बहुत अच्छी है कि ओवरसीज से अगर कोई स्टूडेंट वीजा अप्लाई करता है तो मोर सक्सेस रेट बैचलर डिग्री की है रादर देन लो स्किल कोर्सेज की या ग्रीन लिस्ट कोर्सेज हैं उनके लिए हैं या आपका फिर लेवल 8 या मास्टर डिग्री है। जो लोग सिंगल हैं प्लस 2 जिन्होंने की है ऑफकोर्स उनके लिए फ्यूचर ऑप्शंस हैं कि न्यूजीलैंड बैचलर डिग्री आप आगे आप ठीक आपने फर्स्ट ईयर कर दिया एंड आपको लगता है आपके पेरेंट्स को लगता है कि भी लड़की अपसेट है वहाँ पे ग्रीन लिस्ट वाले कोर्स में कर रही है या लड़का वहाँ पे है एंड ऑफ कोर्स यू नो दे कैन स्टार्ट देयर फैमिली एंड यू नो गेट मैरिड। सो दिस इज अच्छी ऑप्शन है अगर आपको लगता है कि आपका कोई पार्टनर है यू वांट टू ब्रिंग देम तो ऑफ कोर्स वो फिर आप ड्यूरिंग दिस कोर्स एज वेल जो आप 1-2-3 साल में पढ़ रहे हो तब भी आप जब भी अप्लाई करोगे तो वो भी वर्क वीजा पे आपकी आ सकते हैं। So, अभी का रिसेंट स्टूडेंट जो रेट कैसा है like, is it still declining or no, 56% is approval rate still, it's very good, but as I'm saying, you know, average जैसे 50-50 बोले तो कि हर दूसरी एप्लीकेशन डिक्लाइन करते हैं जी, you know, but India because it's a subcontinent, it's a big country, तो वहाँ के नंबर बहुत ज्यादा आते हैं तो that's why अगर उनके 50% भी डिक्लाइन फिर भी हम हजारों में हर साल न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजा पे एंटर करते हैं एंड प्रोबब्ली दिस न्यू चेंज विल ब्रिंग आई थिंक मोर काइंड ऑफ ईगरनेस मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मोर इंटरेस्ट इन न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजा के भी हम ज्यादा यहाँ करते हैं क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे अब ज्यादा कर रही है अच्छे कर रहे हैं। सत श्री अकाल तुसी देख रहे हो सडल टीवी मैं हरजसी कौर ते एक बार फिर तो हाजिर हो चुकी हां सी कुछ नवीं जानकारियां ते नाल इमीग्रेशन दे नाल संबंधित हमेशा ही थोड़े नाल कुछ जानकारियां जिहड़ियां थोड़े लिए फायदेमंद होंदियां ने ते हमेशा दी तरह लीगल एसोसिएट तो साडे नाल ने राज प्रदीप सिंह वेलकम जी सत श्री अकाल। थैंक यू जसी एंड रेडियो साडे वाला के जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। अच्छा राज एक बार फिर तो तुसी आए हो सो थैंक यू सो मच सारे जिहड़ी ऑडियंस या They love you. तुसी जिन्नी वधिया इनफॉर्मेशन दिंदे आ थैंक यू सो मच एंड आज दा साडा टॉपिक बेसिकली असीं टच करांगे स्टूडेंट वीजा अराउंड स्टूडेंट वीजा कह सकदे आ आपां हां जी बिल्कुल ते खास कोई नवे चेंजेस आए हैगे आ यस यस बिल्कुल जैसे कि आज डेट है 21 जून जी तो कल 20th को ही न्यू चेंजेस आए हैं आज से हुए हैं तो एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं जिनका स्टूडेंट वीजा में या न्यूजीलैंड स्टडीज में इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है जी। तो इसके अंदर क्या चेंज किया उन्होंने लेवल 7 लाइक बैचलर डिग्री और लेवल 8 जो ग्रीन लिस्ट के कोर्सेज हैं जो उनके पार्टनर्स हैं उनको अब वर्क वीजा मिलेंगे सो एक बहुत अच्छी है यस 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 सो पार्टनर्स पहला आई थिंक विजिटर वीजा ते ही हुंदे सी करेक्ट बैचलर डिग्री जैसे कोई नर्सिंग कर रहा जी, जी, तो जी. उनको विजिटर वीजा मिलता था 3 साल का अगर कोई बैचलर डिग्री है और उनके जो बच्चे हैं उनको भी स्टूडेंट वीजा नहीं मिलता जी, तो जी, फायदा जी. क्या होगा उनको सबसे बड़ा कि अगर कोई फैमिली आ रही जी. है तो उनको एक तो 3 साल की स्टडी है उनकी बैचलर ऑफ से नर्सिंग और बैचलर ग्रीन लिस्ट के कोर्सेज में बता दूं कौन से हैं जैसे बैचलर ऑफ नर्सिंग है बैचलर ऑफ टीचिंग है इसमें सब है आपका चाहे वो प्राइमरी है सेकेंडरी टीचर आप यहाँ स्टडी करना चाहते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड है सोशल वर्क से रिलेटेड है देयर इज सो मेनी ग्रीन लिस्ट लाइक कोर्सेज देयर ज्यादातर इसके अंदर इंजीनियरिंग वाले हैं जो कोर्सेज जो ग्रीन लिस्ट के हैं बैचलर डिग्री तो उसमें जो लोग न्यूजीलैंड में है अभी उनके लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है और जो ओवरसीज से नए चाहे वो प्लस 2 वाले हैं या इंडिया में उन्होंने कोई डिफरेंट से बी आर्ट्स की हुई है बट नाउ दे वॉन्ट टू स्टडी बैचलर ऑफ नर्सिंग बैचलर ऑफ टीचिंग क्योंकि ग्रीन लिस्ट के सबसे अच्छे पॉपुलर कोर्सेज यही है तो सोशल वर्क वगैरह भी हैं इंजीनियरिंग के भी हैं आईटी के भी हैं आपके बैचलर ऑफ आईटी में अगर आप आना चाहते हैं तो उसके अंदर भी जो आपके पार्टनर्स हैं उनको ओपन वर्क वीजा मिलेगा जब पार्टनर को ओपन वर्क वीजा मिलता है तो जो आपके स्टूडेंट हैं आपके जो बच्चे हैं जो 5 साल प्लस हैं 18 साल तक तो उनको न्यूजीलैंड का लोकल डोमेस्टिक स्टूडेंट मींस 0 फीस के साथ यू विल गेट अ स्टूडेंट वीजा तो काफी अच्छी ऑप्शन है। बिल्कुल बहुत ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸ ਚੇਂਜਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਨ ਔਰ ਮੇਨਲੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲੋ ਸਕਿੱਲ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ
एडवांस्ड कोर्सेज हैं उनके लिए हैं, या आपका फिर लेवल 8 या मास्टर डिग्री है, इट्स वेरी वेरी गुड। बट मैं कहूँगा कि जो नया चेंज ये वाला है ये बहुत अच्छा है। इवन जो लोग न्यूजीलैंड में हैं, यू नो बहुत सारे लोग एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजाज पे, आपने आज भी न्यूजीलैंड हेराल्ड में न्यूज देखी होगी माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन की, कोई कंपनी है डाकू कबाब, यू नो जिनके के 19 लोग हैं यहाँ पे, एंड उनके बारे में उन्होंने बताया। बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट न्यूज, बट जस्ट वॉन्ट टू से कि भाई इतने सारे लोग यहाँ एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा पे आए हुए हैं, उनके पास प्रॉपर जॉब नहीं है, या प्रॉपर उनके आवर्स नहीं है, या इकोनॉमी रिसेशन हो गया भी, तो जो एम्प्लॉयर है उसके भी आउटसाइड कंट्रोल है, तो वी आर नॉट ब्लेमिंग रियली एम्प्लॉयर एज वेल। तो अगर आपकी सिचुएशन चेंज हुई है तो आप एम्प्लॉयर के साथ बात करो, न्यूजीलैंड में जो वीजा चेंज करने की ऑप्शन है आप उसको कंसिडर करो, एंड देन गो बैक टू दिस न्यू कोर्सेज वेयर यू कैन गेट योर पार्टनर एज वेल, क्योंकि काफी लोग अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं, या फ्यूचर कि जैसे जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा में चेंजेस आए कि भी आपका 2 साल का वीजा सिर्फ, और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो 2 साल का वीजा भी आपका बढ़ेगा नहीं, या जो 3 साल का वीजा है ऑफ कोर्स आपका चाहे मैनेजर का लगा है, लेकिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, या आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो 5 साल का नहीं होगा। तो ये अब आपके लिए अच्छी ऑप्शन है टू रिव्यू और टू थिंक अबाउट आपकी सिचुएशन के बारे में। अगर आपने कुछ पैसे यहाँ पे सेव कर लिए हैं, सो प्लीज इन्वेस्ट इन दैट क्वालिफिकेशंस जो आपको न्यूजीलैंड में फ्यूचर देगा। वो कैसे देगा? अगर आप इवन लेवल 4-5 की भी क्वालिफिकेशन लेते हो, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर 5 ईयर्स वीजा। और अगर आप बैचलर करते हो, जैसे अभी बताया न्यू चेंजेस हैं, इवन ग्रीन लिस्ट वाले हैं, तो पहले दिन से ही जो आपका पार्टनर है, तो जैसे अगर हस्बैंड कंस्ट्रक्शन में है और वाइफ अगर बैचलर डिग्री ये टीचिंग है और या नर्सिंग है या सोशल वर्क है या इंजीनियरिंग है या आईटी में है, इफ दे वांट टू डू दैट काइंड ऑफ स्टडी देन इट्स गुड ऑप्शन, बिकॉज जो पार्टनर है उसको ओपन वर्क वीजा मिल गया। तो ये सबसे अच्छी जो है जो चेंज है, दिस इज वेरी गुड। और जो लोग आज एग्जाम देने से डरते हैं उनके लिए क्या है खास? हाँ जी, अच्छा इसमें ना फाउंडेशन भी है, लाइक जैसे बैचलर ऑफ नर्सिंग है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, उसके फाउंडेशन कोर्सेज में, इट मींस जैसे आपने इंडिया से कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स पहले की है, या आपने आईटी की है, बैचलर डिग्री भी की हुई है, या डिप्लोमास किए हुए हैं, या आईटीआई की हुई है, तो अब आप अपना जो करियर पाथ है वो चेंज कर रहे हैं, तो उनके लिए 3 से 6 महीने के फाउंडेशन कोर्सेज हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन डू योर इंग्लिश एज वेल, एंड जो फाउंडेशन का जो बेसिक कोर्सेज होते हैं, बेसिक समझ होती है, वो लोग आपको करवाएंगे, उसके बेस पे वो एंट्री रिक्वायरमेंट है बैचलर की। दूसरी बैचलर की जो इंग्लिश का आपने पूछा ना, आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट लेवल 8 और 9 से कम है, उसकी रिक्वायरमेंट है 6.0 एंड ईच, नहीं ओवरऑल 6.0, नॉट लेस देन 5.5 ईच बैंड। तो जो इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट है ये भी देखो कि वो भी लेस है, अगर आप बैचलर ऑफ यू नो अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग या टीचिंग कर रहे हो, तो दिस इज द रिक्वायरमेंट। ऑफ कोर्स जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट 7.0, तो जब ऑफ कोर्स जो कोई यहाँ पे 3 साल या उससे ज्यादा पढ़ेंगे तो उनका वो लेवल है जो स्टडी का उतना हो जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन भी एंड पाथवे। और सबसे बड़ी बात है कि बैचलर डिग्री के बाद एक तो 3 साल का पार्टनर का ये वीजा हो गया, 3 साल का उनका स्टूडेंट वीजा हो गया, और अगर फाउंडेशन करते हैं तो 3 से 6 महीने एक्स्ट्रा हो गए, तो जैसे ही उसके बाद उनको 3 साल का पोस्ट स्टडी ओपन वर्क वीजा भी मिलता है, तो तकरीबन 6 साल उनके न्यूजीलैंड में सॉर्टेड है, एंड प्रॉब्ली 6 साल जो आपका रेजिडेंस पाथवे है उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म या अच्छा बेस आपका बन जाता है। सो आई थिंक जेडे है ग्रीन लिस्ट दे कोर्सेज भी है, जिदा अर्ली चाइल्डहुड के लिए, टीचिंग वाले के लिए, कंस्ट्रक्शन, नर्सिंग, इनदर रेजिडेंसी दी ऑप्शंस भी काफी बेटर हैगी, यानी जे तुसी ग्रेजुएशन तो बाद ही कोर्सेज करदे हो, राइट? यस, एंड जैसे टीचर का है या नर्सिंग का है या सोशल वर्क का है या साइकोलॉजिस्ट का है या इवन इंजीनियरिंग का है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए, अगर से उन 3 सालों में रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, देन यू कैन गेट एक्स्ट्रा 1 ईयर वर्क वीजा फॉर दैट एज वेल। तो ऑप्शन उसके अंदर काफी सारे हैं। तो मैं कहूंगा जो आपको देख रहे हैं, वेदर इन न्यूजीलैंड और ओवरसीज इन इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट या वर्ल्ड में कहीं पे भी, तो यू कैन डिस्कस विद अस न्यू दिस चेंजेस एंड ऑप्शंस, इट इज वेरी गुड। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ जो कि पार्टनर का हुआ है वीजा इसीलिए यू अप्लाई, जो लोग सिंगल हैं, प्लस टू जिन्होंने की, ऑफ कोर्स उनके लिए फ्यूचर ऑप्शंस हैं कि न्यूजीलैंड बैचलर डिग्री आप आगे आप ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर कर दिया, एंड आपको लगता है, आपके पेरेंट्स को लगता है
कि भी लड़की अपसेट है वहाँ पे, ग्रीन लिस्ट वाले कोर्स में कर रही है या लड़का वहाँ पे है, एंड ऑफ कोर्स यू नो दे कैन स्टार्ट देयर फैमिली एंड यू नो गेट मैरिड. सो दिस इज अच्छी ऑप्शन है. अगर आपको लगता है कि आपका कोई पार्टनर है, यू वांट टू ब्रिंग देम, तो ऑफ कोर्स वो फिर आप ड्यूरिंग दिस कोर्स एज वेल, जो आप 1-2-3 साल में पढ़ रहे हो, तब भी आप जब भी अप्लाई करोगे तो वो भी वर्क वीजा पे आपकी आ सकते हैं. जी जी. सो सिर्फ ये कपल्स दे ले या पार्टनर्स दे ले नहीं, बल्कि जो सिंगल लोग की उन्होंने भी फ्यूचर सेट करने की गल है, राइट? तुसी कर सकते हैं. अच्छा राज, एक हो जड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया तो जड़ी चली सी कि लोग का नवे इथे चेंजेस आया, राइट? कि पीपल कांट अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीजा व्हाइल दे आर ऑन शोर वर्क वीजा. यस, ऑन शोर वाले है ना. यस, या जो विजिटर वीजा पे जाते हैं तो वो 1 जुलाई से लागू हो रहा है, तो अब वहाँ पे वो चेंज नहीं कर पाएंगे. चेंज नहीं कर पाएंगे. एंड डू यू थिंक न्यूजीलैंड वाले उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं इमिग्रेशन? अभी तो नहीं कर रहे. वेल, फ्यूचर का कुछ पता नहीं क्या करते हैं. जैसे आपने देखा है कि वो ऑस्ट्रेलिया कनाडा को काफी फॉलो करते हैं, तो अभी तो नहीं है. फ्यूचर का अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, या कि चेंजेस से ज्यादा मैं कहूंगा आई थिंक जो फ्रॉड है या फेक डॉक्यूमेंट्स है एक्चुअली उनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है. जो न्यूजीलैंड में भी हम पिछले 3-4 साल से या आफ्टर कोविड के बाद हम देख रहे हैं, जितने इतने सारे विजिटर वीजा अप्रूव है उनमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड थे, चाहे वो बैंक से रिलेटेड थे, या वो वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड थे, जब बाद में न्यूजीलैंड इमिग्रेशन वेरीफाई करते हैं जब लोग यहाँ पे वर्क वीजा चेंज करते हैं स्टूडेंट, तो वो जेन्युइन नहीं पाए. तो वो वाली चीज है. न्यूजीलैंड इमिग्रेशन इज अवेयर, और जैसे आपने देखा कि इसीलिए न्यूजीलैंड में स्टूडेंट वीजा का जो डिक्लाइन रेट है, दैट्स अराउंड 50% नाउ. ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा न्यूज में भी आ रहा है. कम्युनिटी भी अपसेट है उससे, बट इमिग्रेशन कह रही है कि हम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, जो हमें जेन्युइन एप्लीकेंट नहीं लगते, जिन्हें लगता है हमें कि उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, उनकी फाइनेंशियल पोजिशन ठीक नहीं है, उनके जब वो इंटरव्यू लेते हैं उनको लगता है कि बोनाफाइड एप्लीकेंट नहीं है, मींस इसको अपने कोर्स की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, या अचीवमेंट का उसको नहीं पता उसके बाद क्या करेंगे, या कोर्स कंटेंट्स क्या है, देयर सो मेनी यू नो फैक्ट्स या रीजंस के भी जो वो डिक्लाइन करते हैं उसके लिए. सो अभी का रिसेंट स्टूडेंट जो रेट कैसा है, लाइक इज इट स्टिल डिक्लाइनिंग और अभी 56% इज अप्रूवल रेट, स्टिल इट्स वेरी गुड, बट एज आई एम सेइंग यू नो एवरेज जैसे 50-50 बोले तो कि हर दूसरी एप्लीकेशन डिक्लाइन करते हैं, यू नो, बट इंडिया बिकॉज इट्स अ सब कॉन्टिनेंट, अ बिग कंट्री, तो वहां के नंबर बहुत ज्यादा आते हैं, तो दैट्स व्हाई अगर उनके 50% भी डिक्लाइन, फिर भी हम हजारों में हर साल न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजा पे एंटर करते हैं, एंड प्रोबब्ली दिस न्यू चेंज विल ब्रिंग आई थिंक मोर काइंड ऑफ ईगरनेस, मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मोर इंटरेस्ट इन न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजा के भी हम ज्यादा यहाँ करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे अब ज्यादा कर रही हैं, अच्छे कर रहे हैं. जी जी जी. सो स्टूडेंट वीजा दे लीजिए कि तुसी सोच रहे हैं, या फिर थोड़ा पार्टनर यू नो फ्री है, जब थोड़ा पार्टनर अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट वीजा लिए, तो उसी वर्क वीजा लाओगे, सो दीज आर द गुड चेंजेस दैट्स हैपनिंग राइट नाउ इन इमिग्रेशन न्यूजीलैंड. और कुछ लास्ट जान तो पहले कोई खास जानकारी राज तुसी देना चाहोगे स्टूडेंट वीजा दे लिए? आई थिंक सबसे बड़ी जो स्टूडेंट वीजा की बात है, एक तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, आप क्यों करना चाहते हो, और साथ में आपका फाइनेंशियल्स, तो आपका जो फाइनेंस है वो क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए. आपको पता है कि जो फाइनेंस में या तो न्यूजीलैंड सिटीजन या रेजिडेंट है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी को भी, फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर इंडिया से हो तो ओनली आपकी फैमिली कैन स्पॉन्सर, लाइक पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर या इन लॉज जो ब्लड रिलेशन के होते हैं. उसके अलावा अब आपके कोई अंकल, चाचा, मामा कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता. तो ये बड़ी यू नो बड़ी चीज है विच वी नीड टू रियली थिंक अबाउट इट. एंड अगेन स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड या नए चेंजेस से रिलेटेड जिसने हमसे डिस्कस करना है, तो ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट है लीगल एसोसिएट्स, दे कैन मेक अपॉइंटमेंट देयर और मेरे से वीडियो कॉल या फोन पे बात कर सकते हैं, इवन फ्रॉम इंडिया और लोकल हियर इन न्यूजीलैंड, एनीवेयर, वेदर दे आर इन वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च और इन कारगिल और इवन फंगाराई और पाहिया, और दे कैन विजिट अवर ऑफिस सो वी कैन गाइड देम थ्रू, या आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड एंड फैमिली को भी बुलाना चाहते हैं, यू आर न्यूजीलैंड सिटीजन रेजिडेंट, यू कैन डिस्कस विद अस एंड विल टेल यू द करेक्ट प्रोसेस एंड मोर पॉसिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट वीजा अप्रूवल इन न्यूजीलैंड. एंड लास्टली पॉजिटिव रहो तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही. बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच आज एक बार फिर तुम्हें टाइम देने लिए, तो तुसी आए साडे दर्शकों ने इतनी वधिया इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. सत श्री अकाल. मिलते हैं जी अगली बार एक नवी वीडियो के नाल. सत श्री अकाल.